बरसा, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा बन। पिज्जा बंस बनाने के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, तीनों कलर के कैप्सिकम, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, हलापिनो, स्वीट कॉर्न, सॉल्ट, ऑनियन, चीज एंड बंस। ये बंस को कैसे कट करना है वो हम सबसे पहले देखेंगे। हम एक बंस लेंगे। ये बंस को मैंने बीच में से काट लिया हुआ है। अब हम जो ये ऊपर का हिस्सा है उसको उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हमें ऐसा कोई कटर लेना है जिसको यहाँ रख के हमें उसको कटिंग करना है। उल्टा रखने से उसका शेप एकदम बढ़िया आता है। ये हमारा बंस अब रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। यहाँ हम स्टफिंग बनाएंगे। इस टाइम में मैंने अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब हम ऑयल लेंगे। अब हम ऑनियन डालेंगे और उसको सौते करना है। ऑनियन थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम ये तीनों कलर के कैप्सिकम डालेंगे। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम ओनली ग्रीन कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। अब ये कैप्सिकम को भी हमें सौते करना है। ये थोड़ा सा सौते हो चुका है। हमने तकरीबन ये सबको एक मिनट सौते किया है। इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अब हम ये स्वीट कॉर्न डालेंगे। स्वीट कॉर्न के बाद हालापीनो। यहाँ आप ऑलिव, मशरूम यूज कर सकते हैं। अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट। ये हमारा स्टफिंग अब रेडी हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने ये बन को अभी कट कर लिया हुआ है। सबसे पहले हम एक बटर नाइफ की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ये ऊपर के हिस्से पे भी हमें बटर लगाना है। हमने अभी बन पे बटर लगा दिया है। हमने जो स्टफिंग रेडी किया था उसको मैंने एक बाउल में निकाल दिया। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम ये स्टफिंग को ये बन के अंदर भरेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस करते जाना और स्टफिंग अंदर ऐड करते जाना। अब हम ऊपर थोड़ा सा चीज लगाएंगे। ये हमारा एक बन रेडी हो चुका है। वैसे ही हमें सारे बंस रेडी करने हैं। इतना हमारा स्टफिंग अभी बचा हुआ है तो इतने मेजरमेंट में से 6 बन बन सकते हैं। फिलहाल मैंने 4 बनाए हुए हैं। अब हम सारे बंस पे ओरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। ओरिगेनो के बाद अब हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे क्योंकि ये चीज स्प्रेड होके बाहर ना आ जाए। ये हमारे बंस अब रेडी है ओवन में जाने के लिए। ओवन एकदम गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये बंस डालेंगे। ये हमारे पिज्जा बंस अब बन के रेडी हो चुके हैं। आप ये अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी में जरूर से बनाना क्योंकि बच्चों का फेवरेट है। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।